हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जास क्लासरूम प्यारे विद्यार्थियों आज मैं करंट अफेयर से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ ये कोर्स करंट अफेयर्स का जो मैंने लॉन्च किया इसका जो रिस्पांस मिला है फीडबैक आया है कि हंड्रेड परसेंट बच्चे और हंड्रेड परसेंट सेटिस्फेक्शन हो जाए और क्या चाहिए सारे बच्चों को हंड्रेड परसेंट सेटिस्फेक्शन मैं सबको टटोलता तो हूँ शाम को जब लाइव क्लास होती है ना लाइव वन टू वन हमारा जो ना सेशन होता है अपॉइंटमेंट का टेलीफोन पे उसमें भी मैंने लाइव सेशन था हमारा संडे को मैं पूछता तो भी कोई कमी तो नहीं रहेगी कहता है, सर ऐसा मिल ही नहीं सकता तो ठीक है मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया एक प्रोफेसर का मैं ये चाहता था कि आप तक जितनी मुझे नॉलेज है जितना मैंने ग्रहण किया है इन बयालीस साल में वो आप तक इमीजिएटली पहुँचा दो ताकि आप एक अच्छे आई अफसर एस जल्दी से जल्दी बन जाओ और जिसने रजिस्टर नहीं किया इस कोर्स में 2500 क्वेश्चन ये नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे ट्रस्ट में आप हर वीडियो में देखना ये क्वेश्चन जो है निकलेंगे नहीं इतना आसान नहीं है इसलिए बहुत लंबा एक्सपीरियंस चाहिए बहुत पेशेंस चाहिए हार्डवर्क चाहिए और हार्डवर्क -शिक्ष में, में कर रहा हूँ आपको सभी को पता है जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो एक बार कि करंट अफेयर में आप स्ट्रेस फ्री जीरो स्ट्रेस पे कैसे आएंगे अब हम चलते हैं कल और आज के करंट अफेयर अब ये हिंदू का साइंस पेज संडे को साइंस और एफ एक्ट एंड कंटेक्ट ओपिनियन डेटा पॉइंट और कोई एडिटोरियल अच्छा हो तो ये मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया और ये साथ में ये भी बता दिया कि जरूरी नहीं एडिटोरियल हमें तो पेपर देखना है अपना

अब अल्ट्रावाट रेडिएशन क्या यूजफुल है किसी के लिए यस yes. और सम स्पीसीज इट इज यूजफुल वॉट ऑल कुछ के लिए हार्मफुल है कुछ के लिए यूजफुल है फिर अल्ट्रावाट बी नहीं सुनी थी हमने कभी मैंने नहीं सुनी थी मैंने यू भी सुनी है जो ओजोन लेयर रोकता है लेकिन इसकी नैनोमीटर इसकी जो वेवलेंथ है दोनों के अलग अलग पूछ सकते हैं आपसे कभी भी पूछेंगे या क्वेश्चन बैंक में मिलेगा आपको ये मैट्रिक का सवाल है अल्ट्रावायलेट बी और सी की वेवलेंथ क्या है फिर अल्ट्रा वायलेट बी एंड सी दोनों ही ये पूछ लेते हैं कई बार इनमें से कौन सा फॉल तो हुआ है? ये पूछ लेते चार आपको ऑप्शन दे देंगे ऐसे क्वेश्चन जाते ये, मैंने इकोनॉमिक पेज से निकाला है हिंदू के हाइड्रो इलेक्ट्रिक रेनफॉल जो हुई है ना एक साल उसकी वजह से कम हुआ ये प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का हाइड्रो से और हाइड्रो भी अब जो है रिन्यूएबल में आती है इट इज नॉन नॉन में आती है यह. अब ये बार बार आ रहा है जर्मनी का केनाविश पे इस पर यह है कि अब वहाँ पे 18 साल से ऊपर के अडल्ट को 25 ग्राम ड्राइड कैनाविस और तीन प्लांट अपने घर में मरीजाना प्लांट लगा सकता है मरीजवाना के तीन प्लांट लगा सकता है ये अलाउ कर दिया उन्होंने और माल्टा लक्षमबर्ग ने पहले ही कर दिया था लीगलाइज कर दी थी रिक्रिएशन यूज के लिए दिया नीदरलैंड ने नहीं की तो इस तरह का मैंने क्वेश्चन बना दिया इसमें इसमें से किसने नहीं की दे दिए मैंने ये। अब ये फर्स्ट सोलर उड़ाई कनाल एक सौ पच्चीस साल पहले स्टेब्लिश हुई है ये आपने आर्टिकल पढ़ना है इसमें से मैंने दो तीन क्वेश्चन निकाल दिए आपको पीडीएफ भेज दूंगा सारे क्वेश्चन को टाइप कराना है सारी पीडीएफ आ जाएंगे आपके पास इन्होंने कोर्स में रजिस्टर किया है अब ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का देखिए आप वट इज काला काडल भैया काला काडल को मैं इसलिए लेके आया कि एग्जाम में पक्का आएगा क्योंकि तो मैंगो शावर एक बार पूछी है काला काडल मैंने भी पहली बार सुना है और आपने भी पहली बार सुना है सचाई है ज्यादातर ने इतना अच्छा टिकला इंडियन एक्सप्रेस में पहले लिया आज सबसे अच्छे उसमें थे इतने बढ़िया क्वेश्चन थे आज इंदू को बाद में लिया मैंने अब काला काडल क्या है प्री मानसून ये जो है सीजन में आती है कोस्टल फ्लडिंग ये केरला में हुई है वहां पर काफी नुकसान हुआ है काला काटल के नाम से आ जाएंगे आपने सुना ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे अप्रैल और मई प्री मॉनसून वहां केरला का क्या है अप्रैल और मई मे, दोनों महीने सिर्फ मई नहीं है और स्वेल सर्ज क्या होती है या पूछा हुआ है पांच छह साल पहले ऐसा स्वेल सर्ज मैंने पढ़ा है कहीं काला काटल का रीजन क्या है आज बाई वेव ये सुनामी की वजह से नहीं है ये हरिकेन जैसे है डिस्टेंट स्ट्रोम ओशन में स्वेल होते हैं विच इज नॉट सुनामी सुनामी का अलग है रीजन ये आपने इस तरह के डिफरेंस निकालेंगे आर्टिकल में से तो आप मैंने कई क्वेश्चन निकाले इसमें से तो काला ये जो है काला काडल और सर्ज याद रखना आपने ये प्री मानसून जो है जो फ्लडिंग आती है उसके लिए तो ये बहुत अच्छा मुझे मिला है ये बहुत दिन से कंट्रोवर्सी आ रही है और कई साल से आ रही है कच्चा थी आईलैंड कच्चा थी आईलैंड में इंडिया और श्रीलंका का एग्रीमेंट हुआ था हमने उनको दे दिया था ये ठीक है ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया और ये लिख के भी दिया सरकार ने कि ये इनका है हमारा अब इम्पोर्टेंट तो ये भी है ये क्यों इम्पोर्टेंट था क्यों है कि हमारे जो फिशरमैन वहाँ पकड़े जाते हैं ये फिश चीज के लिए है ना रिच एरिया है कच्चा थी फिश के लिए और धनुष कोटी हमारे इंडिया में है आपको पता है रामेश्वरी अभी मंदिर में प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ से एक एक फेरी भी लॉन्च की है आपको ध्यान हो श्रीलंका के लिए हमने दिए है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये तो कई बार कोर कर लिया वेज बैंक ये वेज बैंक जो है इंडिया में है हमारे एक्सक्लूसिव जोन में है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में और ये रिच है फिश में ये आज फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा है वेज बैंक अभी किसी नक्शे में नहीं था किसी एनसीआर में नहीं आया ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब हिंदू के जो है अब ये देखिए अब मैंने इसमें निकाला स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये एडिटोरियल पेज पर आया है जिसने CSIR, ग्रेट परसन, ग्रेट आर्टिकल लिखा डायरेक्टर जनरल सी एस आई आरसन ग्रेट पर्सनलिटी ऐसे आर्टिकल जरूर पढ़ने चाहिए हमें स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसने दी है वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल ऑर्गुनाइजेशन यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशन और ये आपने पढ़नी है ये जो रिपोर्ट आई है ये आपके एचे में काम आएगी मेन में काम आएगी करंट में अब ये सारा जो है एक्सप्लेन में बहुत अच्छा दिया है ये भी पढ़ना दोनों आर्टिकल इकट्ठे पढ़ लो आप तो ये पेपर में आएगा और ये स्टैटिक है सारे ये एक साल से कंट्रोवर्सी आ रही है इसलिए स्टैटिक है आपने ये सोचना कि अप्रैल में आ रहे हैं मार्च तक पेपर बन चुका है मुझे भी पता है मैंने बड़े पेपर बनाए हैं के आपका पेपर मार्च के एंड तक बन चुका है मुझे भी पूरी उम्मीद है लेकिन अब जो एक महीना क्वेश्चन मैं दूंगा ना आपको वो स्टैटिक भी 80 है एट्टी परसेंट उसमें जैसे ये कच्चा थी हुई तो स्टैटिक है वेज बैंक स्टैटिक है इसलिए आपने रिस्क नहीं लेना ऐसा छोड़ के पीडीएफ में आपको क्वेश्चन भेजता रहूंगा क्वेश्चन जरूर कर लो अब ये हीट वेव बड़ा इंपॉर्टेंट है हीट वेव की फोरकास्ट हुई है हीट वेव से डेथ भी हो जाती है आईएमडी फोरकास्ट करती है इसमें यह बताया गया कि कितने दिन पहले जो है हीट वेव की ये फोरकास्ट हो जाती है क्या रीजन है क्यों इम्पोर्टेंट है ये ठीक है ना हीट वेव पर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आप अब ये सैनिक गिल पर जो है वर्ल्ड पेज पे इनके नए प्रेजिडेंट ने ज्वाइन किया है इलेक्ट हुए हैं नए प्रेजेंट है फाइव डी ओ माई फाइव अब इम्पोर्टेंट ये इसमें से क्वेश्चन कैसे बनाइए तो सारा पढ़ लिया मैंने क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे अब क्वेश्चन मैंने क्या बनाया एग्जाम्पल ऐसे बनाता आप सोच नहीं सकते कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मैंने ये बना दिया अभी सैनेगल तो कौन से हो? ओशन पे है मोरक्को कौन से पे है सैनेगल जैसे अटलांटिक पे है मोरक्को है मेडिटेन पे सुडान है सूडान है रेड सी पे मैंने ये कंपेयर करने दे दिए आपको अपने पीडीएफ में क्वेश्चन में पेयर बना दिया ऐसा ऐसा एग्जामिनर सोचता है पेपर बनाते हुए दो आप सोच नहीं सकते चार दे दिए अफ्रीकन कंट्री कौन कौन से ओशन या सी पे अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं रोजाना लेके आता हूँ तो एक क्वेश्चन बिग शॉट साइंस पेज पे आता है ये आपका यूँ समझ लो कि दो नंबर का क्वेश्चन होता है यहाँ पे वेंजवेला में क्या है वाइल्ड फायर बड़े जबरदस्त है बड़ी ज्यादा आ गई और किस वजह से ये भी दिया क्लाइमेट चेंज ड्राउट इन एमेजोन रेन फॉरेस्ट रीजन एक तो ये पता चल गया वेनजुएला आपको साउथ अमेरिकन में है कंटिनेंट में और एमेजोन रेन फॉरेस्ट रीजन में है क्यों आया वहाँ पर वाइल्ड फायर क्यों हो रहे हैं ये दिखा रहे क्या आपको वो है क्लाइमेट चेंज ड्रीवन ड्राउट की वजह से ड्राउट पड़ गया तो आग लगेगी फिर जंगल में और ये जगह बताइए मारा के मारा के वेनजुएला के दिखा रहे क्या ये सीन तो मारा के आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों मेरा भारतवर्ष में एस सी एक्सपीरियंस के लिए प्री जीएस का जो मैंने वीडियो उठाया है पेपर वन का उसके जो क्वेश्चन है पूरे इंडिया में बाकी कंटेंट राइटर अलग लिखते हैं मैं मैं अलग लिखता पेपर सेटर बन के लिखता हूं। के पेपर में क्या आएगा हमें तो पेपर से मतलब है बिग शॉट ऐसे ऐसे बिग शॉट इसने सोचा नहीं था इसमें क्वेश्चन होता है साइंस पेज में सा, संता है छोटे चुट छोटे क्लिपिंग होती है छोटी चुट छोटी उसमें भी होता है कई बार वाइल्ड लाइफ के हो गया ये हो गया एफ फिर एक्सप्लेन पेज किसी ने नहीं बताया था कभी कोई नहीं लेके आया कभी मैंने सुना ही नहीं था एक्सप्लेन पेज मैंने खुद अपनी खोज की इसकी जैसे वेज बैंक वेज बैंक श्रीलंका के पास है ये स्टेटिक क्वेश्चन आज तक तो जो है किसी मैप में नहीं देखा मैंने मेरे क्वेश्चन सारे जो है यूनिक होंगे हर क्वेश्चन इस तरह से मैंने 2500 क्वेश्चन एक मई 2023 से बना के दिए हैं आपको यदि आप वो कर लोगे मैं समझता हूँ कि एक क्वेश्चन तो आपका इंटरनेशनल गलत नहीं होना चाहिए मान ली दस आते दस के दस ठीक होने चाहिए नौ भी ठीक होते हैं तो मैं समझूंगा एक क्यों नहीं हुआ मेरा ये टारगेट है इसलिए मेरे बच्चे जितने जुड़े हुए हैं ना ये इस कोर्स में वो ये समझ लो कि मैं तो सौ परसेंट कर वो कह रहे जी नहीं ऐसा तो मिल ही नहीं सकता इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है हमने और कुछ करते ही नहीं हमने अखबार पढ़ना सीख लिया आपसे चलो मेरे क्वेश्चन करते जाओ मैं कुछ नहीं छोड़ रहा इसमें से आपको पी आ जाएगी लेकिन छोड़नी नहीं आपने इसी दिन का भी थैंक यू वेरी मच